आपको मेरी तरफ से सातवीं रमज़ान की सातवीं सहरी मुबारक हो। अभी बज रहे हैं 4:15, पहले पढ़ेंगे हम तहज्जुद की नमाज़, बाकी का करेंगे सब बाद में काम। मिलती हूँ मैं आपको नमाज़ के बाद। नमाज हो गई है, अभी हम सहरी के लिए दूध गरम करेंगे और गरम गरम रोटी बनाएंगे। ये गरम हो गया है, मैं इसको बंद कर दूंगी और एक तरफ हम दूध रख देंगे गरम के लिए। दूध रोट, जिसको दूध रोट खाना है वो दूध रोट खाएगा। रात को मैंने सहरी के लिए रात को ही मैं आटा गूंथ के रख लेती हूँ। अभी हम सहरी के लिए मस्त छोटी छोटी सी रोटी बनाएंगे। चार रोटी बनाई हूँ मैंने एकदम गर्मा गर्म। जिसको रोटी खाने का वो रोटी खाएंगे, जिसको पराठा खाने का वो पराठा। अमन बेटा जल्दी जल्दी कर। देखिए मैं भी सबके लिए रोट और दूध निकाल रही हूँ। मैंने मेरे शोहर को दिया है दूध और रोट। अभी सहरी का वक्त ख़त्म होने के लिए सिर्फ आधा घंटा बाकी है। चलो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ सहरी करने के लिए। देखिए मैं खा रही हूँ सहरी हो गई है मेरी। अभी मैंने एक तरफ चाय रख दी है और एक तरफ हम गैस पे पराठा बना तल के लेंगे। तलू ना पराठा अरहान, चाय के साथ पराठा खा रहा ना बेटा। चाय बन गई है, अभी हम चाय पी लेंगे। सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, हमारी अच्छे से सहरी भी हो गई है और मैंने अभी पानी वानी सब पी लिया है। आई होप आप लोगों की सहरी भी अच्छी हो गई होगी। अभी अजान होने वाली है, अजान के बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद कुरान पढ़ेंगे। बज रहे हैं 6:15 और आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो मैंने कुरान रख दिया है। अभी हम सो जाएंगे, 9 बजे पानी आता है तो हमको उठना है। बस अभी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, बाद में हम मिलेंगे आपको 9 बजे के बाद। अस्सलामु अलैकुम। अभी बज रहे हैं 12:30। घर का सब काम हो गया है, बर्तन पानी टॉयलेट बाथरूम सब धो के नहा धो के सब हो गया है। देखिए मैं आप लोगों को घड़ी में दिखाती हूँ,
12 में, तो आप लोग बोल रहे होंगे मैं झूठ बोल रही हूँ। चलो अभी हम इस तहरी के लिए साबूदाना भिगोएंगे, और साबूदाना भिगोने के बाद फिर मैं बाज़ार को जाऊंगी, शाम के लिए क्या बनाना है वो बाज़ार लेकर आऊंगी। चलो किचन में जाएंगे हम। ये है मेरा किचन। अरहान अभी जाके आती हूँ बाज़ार को, दूध भी लेकर आती हूँ, कस्टर्ड भी बनाना है और गोश्त बीज जो भी लगता है वो सब लेकर आती हूँ। बाज़ार से भी आ गई हूँ, जोहर की नमाज भी हो गई है, अभी मैं पढ़ रही हूँ कुरान। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4। चलो अभी हम तैयारी की तैयारी कर लेंगे। पहले दूध गर्म करके कस्टर्ड बनाएंगे, एक तरफ कस्टर्ड रख देंगे और एक तरफ आलू मैंने जो उबाल के लिए है ना वो आलू हम छील कर लेंगे। बड़े का गोश है ये जिसका हमने धो के ले लिया है, जिसका मैं कोरमे का सालन बनाऊंगी, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है यूट्यूब पे मटन के कोरमे की। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ बस, जल्दी जल्दी फिर ये सालन मुझे शहरी में भी काम आएगा। गरम मसाला उसमें डालेंगे हम, एक टमाटर और थोड़ा प्याज में इसमें फ्राई करके डालूंगी सालन में। गैस पे इसको गलाने के लिए रख देंगे। इसमें से थोड़ा सा दूध में निकालूंगी, शुगर फ्री कस्टर्ड बनाएंगे हम, ये हमारे लिए और ये शुगर फ्री मेरे शोहर की, मैंने इनके लिए निकाला है। ये वाले दूध में हम जो रेगुलर वाली जो शक्कर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे, और जो दूध मैंने अलग थोड़ा निकाल के रखा है इसमें हम शुगर फ्री शक्कर डाल के उसका कस्टर्ड बनाएंगे। कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पीला कलर, मैं ऐसा वाला कस्टर्ड बनाती हूँ। मैंने इसकी भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की है, ये मैं फटाफट बता रही हूँ। ये अपना रमजान रूटीन ब्लॉग है, थोड़ा सा मैं पीला कलर डालूंगी। शक्कर पिघल हुई है, हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा मैंने लहसुन की बूंदे डालेंगे खुशबू के लिए। इसको ठंडा होने के लिए मैंने पंखे के नीचे रख दी थी, इसके अंदर हम अंगूर और चीकू डाल के इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए अभी रख देंगे और इफ्तारी में निकालेंगे। ये मैंने अखरोट और बादाम काट के लिए वो डालेंगे, और बाद में मैं जब खरबूजा काटूंगी ना तो 2-3 खरबूजे के टुकड़े भी इसके अंदर डाल दें। अभी मैं इसको फ्रिज में रखूँ। कोरमे के लिए जो हमने गोश्त गलाने के लिए रख दिया था, गोश्त भी गल गया है, अभी हम कोरमे के लिए मसाला पका के लेंगे और बाद में मैं प्याज इसके अंदर फ्राई करके डालूँ। पूरा सालन पकने के बाद ही अभी मैं आप लोगों को आगे का बताऊंगा। थोड़ा सा मैंने चिकन लाई थी बाज़ार से, जो मैं मेरे शोहर को
साबूदाने फ्राई करके हो गया है, अभी हम फ्रूट काटेंगे। साबुदाने के वड़े बनाकर इतना बच गया है, तो हम इसको कल इस्तेमाल करेंगे। डब्बे में डाल के इसको रख देंगे और सब फ्रूट सब काट के सबको बांट के हो गया है। अभी हम दुआ के लिए बैठेंगे। चलिए आप भी आइए हमारे साथ दुआ में। इफ्तारी का वक्त हो गया है, हमने जो भी बनाया था हमने सब दस्तरखान पे लगा दिया है, और अम्मी के घर से भी आया था, बहन के घर से भी, अड़ोस पड़ोस से भी, और मैंने भी जो भी बनाया था वो भी दस्तरखान पे सब रख दिया है हमने। चलिए आप भी आ जाइए दुआ करने के लिए। आप भी आ जाइए हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइए, और इफ्तारी भी करने के लिए आ जाइए। इफ्तारी हो गई है, अभी नमाज भी हो गई मगरिब की, फिर हम जाएंगे बर्तन की तरफ। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ इफ्तारी के बाद किचन में बर्तन कितने होते हैं। कैमरा मैं बैक करके आप लोग देखिए किचन की हालत, कितने बर्तन हैं किचन में। अभी ये सब मैं घसने के बाद फिर आप लोगों से देखिए। अभी बर्तन सब धो के हो गया है, पहले मैंने आप लोगों को किचन बताई थी, अभी दिखा तंजिल एक बार किचन, इधर दिखा सब गैस इंडक्शन सब पोंछ के सब एकदम चकाचक हो गया है। अभी बनाना है चावल, औरतों के रमजान में काम तो खत्म ही नहीं होते, जितने भी काम मिलेंगे उतने कम है औरतों के लिए। सालन देखो मैंने बना ली थी जब दोपहर में ही इफ्तारी का बना के बने थे, कोरमे का सालन मटर डाल के। अभी एक गिलास चावल बनाऊंगी, फिर चावल बनाए बस फिर आटा गूंदूंगी, सहेली के लिए भी आटा हो जाएगा, और अरहन के अब्बा आएंगे उनके लिए भी फिर दो रोटी डाल के दे दूंगी। जितना काम दे और तो रमजान में उतना कम है, सबके किचन की यही हालत है और सबके घर की यही हालत है रमजान में, तो खासकर रमजान में सैर के बर्तन, तैर के बर्तन, पकाने के बर्तन, खाने के बर्तन, बर्तन बर्तन बस बर्तन ही बर्तन है। चलिए चावल बना लेती हूँ, और फिर चावल बनाए बाद आटा गूंद लूँगी, आटा बनने बाद फिर ईशा की नमाज और तरावी की नमाज पढ़ूँगी, फिर देखूंगी एंड करूंगी ब्लॉग को, नहीं तो फिर खाना खाने के बाद एंड करूंगी। तब तक के बाय। पीने का पानी भी गर्म हो गया है, हम लोग गर्म पानी पीते हैं अच्छा बॉईल करके। और एक तरफ मैंने सहेली के लिए भी आटा गूंद लिया है, और अभी अंकल आएंगे, अंकल के लिए दो रोटी डालूंगी, तो उनके लिए भी आटा गूंद ली हूँ। ऐसे सख्त आटा गूंदना है कि सहेली तक मस्त रहता है, और ऊपर से उसको ऐसे तेल लगा लेने का और ढक के रख देने का, फ्रिज में नहीं भी रखे तो चलता है, ऐसे ही इसको भारी ढक्कन ढक के रख देने का, मस्त रोटी आती है। चलो अभी हम नमाज पढ़ेंगे, पहले ईशा की और तरावी की नमाज। देखिए ईशा की नमाज हो गई, तरावी हो गई, और हमारा खाना भी हो गया है, तो अभी हम ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये सहरी से इफ्तारी तक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दुआ में याद रखिए। फिर आती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के बाय, अल्लाह हाफिज़।